खेसारी और पवन ने अपने सारे मतभेद भुलाकर की है एक नई शुरुआत, एक नई पहल, और जिसको अप्रिशिएट कर रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का हर एक बंदा। आइए जान लेते हैं पहले कि किन वजहों से पवन और खेसारी में मतभेद हुआ और फिर किन वजहों से इन दोनों में फिर से दोस्ती हो गई। पवन और खेसारी के एक होने की सबसे बड़ी वजह अक्षरा सिंह बनी, और इन दोनों के अलग होने की भी सबसे बड़ी वजह अक्षरा सिंह ही बनी थी। तो आइए पहले ये बता देते हैं कि किस तरह पवन और खेसारी अलग हुए थे। जब अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के खेमे से निकलकर पवन सिंह के खेमे में आ गई, तब खेसारी लाल यादव के कुछ फैंस और खुद, ऐसा कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव ने कई लोगों को बोलकर अक्षरा सिंह पर भद्दे भद्दे सॉन्ग गवाए, जिसे नाराज होकर पवन सिंह ने खेसारी के फैंस की जमकर क्लास लगाई और कईयों को तो उन्होंने धमकाया भी। इसके बाद धीरे धीरे ये मामला शांत होता गया, लेकिन पवन और खेसारी की दुश्मनी भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ती ही चली गई। ऐसे में पवन ने कभी जहां खेसारी हुआ करते थे वहां नहीं गए, और जहां पवन हुआ करते थे वहां खेसारी नहीं गए। इन दोनों के विवाद से पहले इन दोनों ने फिल्मों में भी एक साथ काम किया था, लेकिन विवाद के बाद ये दोनों किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए। लेकिन जब पवन और अक्षरा के बीच विवाद हुआ और पवन से अलग हो गई अक्षरा, तब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक हो गए। इन लोगों की दोस्ती का खुलासा तब हुआ जब खेसारी लाल यादव के बेटे के बर्थडे के पार्टी में पवन सिंह को खेसारी लाल यादव ने न्योता दिया, और खेसारी को खुद भी नहीं लग रहा था कि पवन सिंह वहां आएंगे, लेकिन पवन सिंह वहां पहुंचे भी, बच्चों को उन्होंने प्यार भी दिया और चंदा यादव के साथ उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई। सभी को आशीर्वाद देते हुए वो वहां से निकल गए, और तभी से ये माना गया कि पवन और खेसारी के बीच में जो विवाद है वो खत्म ही हो जाएगा। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन समय समय पर खेसारी और पवन ने अपनी इस कड़वाहट को भुला दिया और भोजपुरी इंडस्ट्री के भले के लिए एक हो गए। अब खेसारी लाल यादव अपने बड़े भाई पवन की तारीफ करते नहीं थकते, तो अपने छोटे भाई की भी तारीफ करते और उसे दुआएं देते पवन सिंह भी नहीं थकते। अभी तो आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरह से पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव और चंदा यादव को उनके शादी की सालगिरह की बधाई दी, जिसे सुनने के बाद खेसारी के फैंस काफ़ी गदगद हो गए। और वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव के बढ़ते करियर को लेकर भी पवन सिंह ने उनके लिए काफ़ी कुछ अच्छा कहा, और बदले में खेसारी लाल यादव ने भी अपने बड़े भाई को हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में इमोजीज भेजे थे। अब इन सब के बाद ये समझ में आ गया है कि पवन खेसारी निरहुआ अब एक हो चुके हैं। वैसे निरहुआ की तो इन दोनों से कभी कोई दुश्मनी नहीं रही, निरहुआ ने हमेशा खेसारी और पवन को सपोर्ट ही किया है, और पवन ने हमेशा हर जगह निरहुआ की तारीफ ही की है। तो वहीं खेसारी लाल यादव भी निरहुआ की तारीफ करते ये कहते हैं कि आज अगर निरहुआ नहीं होते तो उनका करियर कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ता ही नहीं, और आज वो इतने बड़े सुपरस्टार होते नहीं। इसलिए निरहुआ के एक एहसान को वो हमेशा याद रखेंगे, जिंदगी भर उसे अपने सीने से लगा कर रखेंगे, क्योंकि जितना बड़ा उपकार खेसारी कहते हैं निरहुआ ने उनके ऊपर किया है, उतना बड़ा उपकार उन्होंने कभी इसकी उम्मीद निरहुआ से की ही नहीं थी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।